पत्थर हो गए। ओ तुम्हारा आंखें भी बुरी हो गई वाइट। माय गॉड तुम्हारी पूरी आंखें वाइट हो गई। लगा दो कॉपीराइट स्ट्राइक। क्या खा रहे हो? ये जो प्रोडक्ट आज हमारा आया है ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको सारी ज़रूरी चीज़ें जरूर बताता रहूँगा क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग हैं, कई इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो आने वाले हैं, तो जो दो चार लोग कमेंट्स करते हैं उसमें 100% जितने भी लोग कमेंट करते हैं उसमें 100% लोग वो होते हैं जो कि आने वाले हैं यहाँ पर, और उनके कई क्वेरीज हैं कि जनवरी में आने वाले हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो कैसे क्या मैनेज करना होगा। तो उसी तरह की एक चीज़ ये भी है, अभी दिखाता हूँ। अभी देखो पहले स्नोफॉल जो है वो भी हल्का हल्का शुरू हो गया है। वैसे ये जो चीज़ है ये मुझे भी किसी दोस्त ने मेरे बताई थी, मैंने वीडियोस वगैरह डाले, और तो थैंक्स कुशाग फॉर दिस सजेशन। तो ये रही वो चीज़ जो हम लोगों ने आज मंगाई है, बिडे या जेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमने फाइनली अमेजोन से मंगाया था। ये सबसे बढ़िया, वहाँ पर इसके रिव्यू सबसे अच्छे थे, और मतलब आप लोगों ने सुना होगा जो भी कनाडा आने वाले हो आपने सबसे पहली चीज़ यही सुनी होगी कि आपको आदत डालनी पड़ेगी अभी टिश्यू पेपर यूज़ नैपकिन है ना वो यूज़ करने की। बट अब हमें पता चल चुका है कि ये भी हम सेट कर सकते हैं अपने वॉशरूम्स में और अपने हाथों से ही कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर टूल। तो अभी देखते हैं इसको किस तरह सेट होता है। अगर अच्छे से सेट हो गया तो फिर भाई हम लोगों के लिए तो स्पेशली इसके लिए तो सबके लिए हाइजीन वाला स्टफ जो स्पेशली हां विमेन के लिए हम लोगों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बट अमेज़न से हमने मंगाया है, इसका टोटल कॉस्ट आई थिंक $42 है, उसमें $10 का पता नहीं क्या कूपन था वो कुछ तो लग के $32 का पड़ा है प्लस GST, एक दिन में ही आ गया है। एक ये मिला हुआ है, इसमें A और B नोड्स हैं, और आप अगर अमेजोन में जाकर देखोगे तो बहुत ही डिटेल्ड बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरह से हम खुद से कनेक्शन कर सकते हैं। टेप मिला हुआ है, ये स्क्रूज मिले हुए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों नहीं पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि एक्चुअली इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम वॉल माउंट कर रहे हैं अपना जेट, बट मैं वॉल माउंट नहीं करूंगा, एक और तरीका है माउंट करने का, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये वो चीज़ है, इसको अगर हम अपने जो अपना फ्लश होता है ना उसका ढक्कन ऊपर से हल्का सा खोल के उसको लटका देंगे तो इस जगह पर ही हमारा जो जेट है वो माउंट होगा। हाँ, ये इस तरह से माउंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये टी वॉल्व जो है, ये टी वॉल्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेट कैसे करना है। तो ये वाली पाइप जो थी वो हम लोगों ने अब निकाल ली है। अब ये जो टी वॉल्व आया है इसको हमें हाथ से ही सेम जगह पर टाइट करना है, इसको यहाँ पर लगाना है। हाँ देखना बिल्कुल टेढ़ा वेढ़ा ना रहे, नहीं तो लीक होता रहेगा। अपना सब कुछ जो है पूरी फिटिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, लेट्स सी। ये एडजस्टेबल प्रेशर भी है, वो सब देख लेंगे कैसे होता है, बट बस बेहतरीन। वो कैसे करना है माउंट, तो ये जो मैंने ढक्कन खोल के फ्लश का ये बांधा है ना, बस इसको ऐसे करके आराम से इस तरह से करके ये अपना हो गया पूरा का पूरा जेट रेडी, कहीं से कोई लीक तो नहीं है, और उसके बाद वी आर गुड। हम लोग अपने एनिवर्सरी का थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करना है, आ गए हैं यहाँ कैंप भी ब्रूवरी।
क्या मंगाया है तुमने? मैंने मंगाया है रिस्की बिजनेस सॉस। रिस्की बिजनेस, मेरा टोक्यो ड्रिफ्ट है। अब पिज्ज़ा का नाम क्या था? अभी कुछ नहीं बस हमने थोड़ा बहुत ऐसी सब्जी वब्जी खत्म हो गई थी वो लेने जा रहे हैं। बट खास बात आज की ये है कि अभी आप ये देख रहे हो पूरा वाइट हो चुका है और जो टेम्परेचर चल रहा है वो आप यकीन भी नहीं करोगे। तो चलो फिर भी बता देता हूँ, -38 डिग्री -38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम यहाँ का, जो कि सुबह जब मैं उठा था तो -42 डिग्री। -38 डिग्री में चलना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है हम लोग के लिए। तो सबसे कम लोएस्ट है अभी तक ये -31-32 में निकले हैं, बट -38 और -40 ये सब तो, और जैसे अभी मौसम गड़बड़ हो रहा है तो न्यूज़ तो बता रहा है कि -50 भी कहीं कहीं जा सकता है अलबर्टा में। पता नहीं एडमंटन में जाएगा कि नहीं, मैं रख रहा हूँ ग्लव्स भी पहने, हाथ पूरे पत्थर हो गए। अभी पानी चले तो वाइट हो जाएगा बिरयानी टाइम। ये बिरयानी मूवी लगाते हैं अभी, थैंक्स टू शेफ विश्वजीत सिंह। तो आज फिर से हमारे पास एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज आई है। तो जैसे पिछली बार आपको दिखाया था कि हम लोगों ने वो अपना एडमंटन ट्रांजिट सर्विस ETS जो है उसका टिकट मंगाया था, तो 10 का जो सेट आया था वो था। और उसके साथ दिक्कत ये थी कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर से, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था उस वेबसाइट से कम नहीं तो 5 दिन के आसपास लग गए थे, 5 या 6 दिन लग गए थे उसका टिकट आने में। तो हम लोग का टिकट वो ऑलमोस्ट अभी 2 ही बचे हुए हैं बस। फिर ये टेंशन हो रही थी क्या करेंगे, और वो सिस्टम समझ नहीं आया था ऐसा क्या सिस्टम रहे कि मतलब हम पे कर सकें किसी चीज़ में, कोई कार्ड हो या क्या हो। तो अभी कुछ नया ही यहाँ पर सिस्टम आया है एडमंटन में, सरप्राइजिंगली वो सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं कि आप कोई कार्ड ले लो प्रीपेड, उसको अपना रिचार्ज करके टैप करके बस में जाओ। तो अभी ये नया ही आया है, नवंबर 2022 में ही लॉन्च हुआ है एडल्ट्स के लिए, और 2023 जनवरी से सबके लिए शुरू हो जाएगा ये, सीनियर्स और स्टूडेंट्स वगैरह सबके लिए, यूथ के लिए। तो उसका नाम है आर्क कार्ड। तो मैंने जब देखा कि हाँ स्टार्ट हो चुका है तो मैंने सबसे पहले जाके उनकी वेबसाइट से आर्क कार्ड ऑर्डर कर दिया। इस आर्क कार्ड का ऑनलाइन ऑर्डर जो हमने किया उसका $6 पर कार्ड का कॉस्ट था। तो अभी वो हमारे पास आ गया है और मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 या 4 दिन ही लगा है और वो आ गया है। ये है हम दोनों का अलग अलग आ गया है, ये रहा हमारा आर्क कार्ड, ये फाइनली अपना आर्क कार्ड अभी आ चुका है। तो जैसे ETS में जो टिकट्स होते हैं पासेस होते हैं उसमें जो रूल होता है ना कि आप एक बार टिकट अगर लेते हो तो वो ट्रांसफर वो फाड़ कर देता है, करीब 90 मिनट तक वैलिड रहता है, 90 मिनट के अंदर अगर आप दूसरी बस पकड़ते हो तो भी आप उसी ट्रांसफर को यूज करके नया टिकट नहीं लेना पड़ता है। सेम चीज इसमें है, 2-3 फीचर्स के अच्छे ये हैं कि जैसे आप अगर बस का टिकट आप वेंडिंग मशीन से लेते हो या आप टिकट नहीं लेके डायरेक्ट बस में पे करते हो तो $3.5 का एक टिकट पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो टिकट्स का वो 10 टिकट्स का पूरा पैकेट तो वो $2.75 पर टिकट पड़ता है। तो अब आर्क कार्ड का क्या है, आर्क कार्ड में भी आपका पर राइड $2.75 ही जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप पासेस खरीदते हो ETS के पासेस होते हैं तो वो $100 का होता है, $100 पूरे महीने के लिए वैलिड होता है। तो सेम फीचर इसमें भी है, इसमें डेली की लिमिट है 10.5 और मंथली लिमिट है $100। तो अगर आप डेली एक दिन के अंदर आप $10 की लिमिट पार कर देते हो तो उसके बाद उस दिन की सारी राइड रहेंगी फ्री। सेम चीज़ है अगर आप एक महीने का ना, सपोज 15 तारीख तक आपने $100 तक का यूज़ कर लिया ये, तो अगले 15 दिन का ये रहेगा फ्री। तो जो मंथली लिमिट है वो है $100। और तो इस तरह पास और टिकट दोनों का ये फीचर है इसमें। और दूसरे जब आप इसको बस में, इसका रूल क्या है कैसे यूज़ करना है, बस में जाओगे एक बॉक्स लगा होगा वहाँ टैप करोगे ग्रीन हो जाएगा वो, एक्टिव हो जाएगा ये। उसके बाद जब आप उतरोगे बस से तो आपको पीछे टैप ऑफ करना है, तो आपने टैप ऑन किया चढ़ने के बाद, उतरने के बाद आपको उसको फिर से टैप करना है, टैप ऑफ करके पीछे वाले गेट से उतरना है। लेकिन तब भी आपका ये 90 मिनट तक के लिए वैलिड है, आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी 90 मिनट्स के लिए। तो आप अगली बस अगर 90 मिनट्स के पहले पकड़ते हो तो टैप ऑन तो करोगे टैप ऑफ भी करोगे, लेकिन पैसा आपका वही वाला यूज होगा जो पहले की विंडो ओपन थी। तो ये सारे फीचर हैं कार्ड के, जल्दी इसको यूज करेंगे तो बताएंगे कैसा है, आपको दिखाएंगे भी। एक और चीज आज के अच्छे दिन की ये है कि आज लकीली जो मैं अभी थोड़ी देर में ही निकलने वाला हूँ, क्या टाइम हुआ है अभी 7:45 हुआ है, 7 बजे से आइस हॉकी का मैं मैच देखने वाला हूँ लाइव,
और स्टेडियम में रॉजर्स प्लेस जो आपको दिखाया था, मेरा घर जहां पर था, तो रॉजर्स प्लेस में ही आज मैच है ऑयलर्स का। ऑयलर्स एडमंटन की एडमंटन की टीम है, NHL नेशनल हॉकी लीग की जो टीम है यहाँ की, उसका नाम है ऑयलर्स। और ऑयलर्स के यहाँ पर पूरे एडमंटन में डाई हार्ट फैंस भरे हुए हैं। तो आज लकीली मुझे वो मौका मिल गया जाने का। उसका टिकट एक्चुअली बहुत महंगा होता है और मेरा जो टिकट है वो तो बहुत ही स्पेशल प्रीमियम सीट्स हैं और करीब $280 के आसपास का है। तो हम लोग बस थोड़ी देर में निकलेंगे और आपको दिखाएंगे लाइव झलकियां यहाँ के ऑयलर्स वर्सेस ब्लूज करके, ब्लूज जो टीम है उसके साथ ऑयलर्स का मैच है आज। तो अब मैं निकलने हूँ अपना NHL का ऑयलर्स वर्सेस ब्लूज का मैच देखने के लिए। अजहर आएंगे अजहर की गाड़ी से ही, मैं मोनीश और अजहर जाएंगे, तीनों लोग। तो ऑयलर्स जो है वो अपने एडमंटन की है, उसका ब्लूज से मैच है। ब्लूज सेंट लुइस की टीम है, सेंट लुइस US का है। और ये जो NHL होता है ये नॉर्थ अमेरिका की लीग है, तो 25 के आसपास शायद US की टीम्स होती हैं और 7 कैनेडियन टीम्स हैं। ऑयलर्स उसमें अपनी है। हम लोग अब आ गए हैं रॉजर्स प्लेस पे, वहीं पर देखेंगे आज अपना पहला मैच।